सीएम आवास पर जनता दरबार लगाया गया है। प्रदेश भर से कई फरियादी अपनी फरियाद लेकर यहां पहुंचे, जहां पर उनकी समस्याओं को सुना गया और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। क्या कुछ देखने को मिला वो आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार का आज दूसरा दिन है, जिसमें लगभग 250 से 300 लोग सुबह 8 बजे से लाइन लगाकर मुख्यमंत्री जनता दरबार में मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार को जो राज्य मंत्री बलदेव औलख हैं उनको रखा गया था। आप देखिए वही सबकी सुनवाई कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम पीड़ित लोग हैं जो कि लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ पे गेट पे उनकी चेकिंग की जा रही है। गेट के अंदर देख सकते हैं कि वहाँ पर कागजात चेक किए जाते हैं। कागजात चेक करने के बाद यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि एक रो बनाया गया, जिसमें महिलाओं के लिए एक अलग रो बनाया गया है, पुरुष के लिए अलग रो बनाया गया है। और सामने P44 गाड़ी एक देख सकते हैं, जिसमें कि जो वृद्ध अवस्था में है, जो चल नहीं पा रहे, उनको इस गाड़ी से जनता दरबार तक ले जाया जाता है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, सुबह 8 बजे से जनता दरबार में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुँचे हैं। हालांकि किस तरह से इनका निराकरण होगा तमाम उम्मीदें हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी जनता दरबार लगाया गया। भाई साहब आप कहां से आए हैं और क्या समस्या है आपकी? हम आलमनगर से आए हैं, राजाजीपुरम जी। क्या समस्या है? समस्या हमारी यह है सर कि हमारी आवास विकास परिषद ने जमीन एक्वायर की थी, उसका कुछ भाग छोड़ दिया गया था। आज तक पैमाइश करा के हमने 50 बार उनको एप्लीकेशन दिया है, लेकिन कोई भी निराकरण नहीं किया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं। दादा कहाँ से आए आप? अरे जो है हमको झूठे मुकदमे लगाओ थे, नहीं जो झूठे मुकदमे में आपको फंसा दी कि तमाम यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब क्या क्या लगता है आप, क्या क्या दिक्कत? हम सब जिला कन्नौज और शेर गाँव से के रहने वाले हैं साहब। हम 2-3 दफे यहाँ आ चुके हैं और साहब 2-3 दफे आ चुके, कोई सुनवाई नहीं यहाँ साहब जो है। लेकिन अभी तक साहब जो है इनके माध्यम से साहब जो है पुलिस। समस्या बताइए आप। समस्या साहब मेरा अवैध कब्जा जमीन का किया गया साहब, और माफिया ने आपका अवैध कब्जा कर लिया जी। कहीं ना कहीं लोग न्याय की आस में और कहीं ना कहीं अपने जो दिक्कत है उसके निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री आवास पर जो जनता दरबार है उसमें पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास का गेट है, यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है और वो अंदर जो मुख्यमंत्री का वो गेट है वहाँ पर लोग जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों से मुलाकात करें। हालांकि आज राज्य मंत्री बलदेव औलख जी लोगों की शिकायत के जो भी पत्र है वो उनकी बात सुनेंगे और शिकायत को लेंगे और उसके बाद निस्तारण के लिए कैसे कार्रवाई करते हैं फिलहाल तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज दूसरे दिन मंगलवार को भी मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक जनता दरबार चल रहा है। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।